अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यह दो विचारधाराएं हैं। एक को कहते हैं अद्वैत सिद्धांत और दूसरे को कहते हैं अद्वैय ईश्वरवाद। दूसरे शब्दों में यह जो अद्वैय ईश्वरवाद है इसी को शाक्त सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को नाथ संप्रदाय का भी विचार कहते हैं और इसी को कश्मीरी शैवाइज्म भी कहते हैं। यह और भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत, इन दोनों में तत्व के दृष्टि से, जगत के स्वीकृति के दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर दो प्रकार से है। शंकर सिद्धांत में व्यतिरेक को बहुत महत्व दिया गया है और ये कहा है कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा की माया शक्ति जो कल्पित है, ये महत्व का शब्द है कल्पित, परमात्मा की माया शक्ति जो कल्पित है उस कल्पित माया शक्ति के द्वारा कल्पित किया गया है और इसीलिए उसको कहते विवर्त। यह जगत की स्थिति शंकर सिद्धांत के अनुसार, और इसीलिए चूंकि माया शक्ति कल्पित है और उस माया शक्ति के द्वारा निर्माण किया ये जगत ये भी कल्पित है, तो फिर परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं वह ब्रह्म क्या है? वह निर्गुण निराकार और निर्विशेष, इस प्रकार से सभी नेति नेति के द्वारा, निषेध के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन हो सकता है। और उसमें फिर वो सिद्धांत बताते हैं कि यह जो तत्व है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसमें वाणी का और मन का प्रवेश नहीं है। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा की माया शक्ति जो कल्पित है उसका विलास है, तो इसको नष्ट करने के लिए, इससे दूर जाने के लिए केवल विचार की आवश्यकता है। और ये विचार पहले श्रवण, फिर मनन और फिर निधिध्यासन, इसके द्वारा ही तत्व के प्राप्ति में हमारी प्रवृत्ति है, इससे ज्यादा नहीं। माने विचार का होना अत्यंत आवश्यक माना है और इसीलिए वेदांत का साधन क्या हो गया? फिर श्रवण मनन निधिध्यासन। आप सभी वेदांत के संस्कार वाले हैं, सबको पता है कि तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास उस तत्व को जानने के लिए पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने जो बताया फिर उसके ऊपर मनन करें,
तो श्रवण वृत्ति के माध्यम से, मनन वो भी वृत्तियों के ही माध्यम से जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे, ऐसा ज्ञान तैयार करने के लिए, और निदिध्यासन माने वृत्ति की एकतानता। जब ब्रह्म परिपक्व हो जाएगी तो उस परिपक्व स्थिति में हो जाए, यह हो अंत के साधन की प्रक्रिया। और चूंकि ये विचार प्रधान हाथ में है कि केवल हम यही आगे बढ़ते हैं कि मैं अन्नमय को ही, प्राणमय कोश नहीं, विज्ञान कोश नहीं इत्यादि, तो यह पर रहता है और इस मार्ग का अनुसारे गलती कर बैठे। कौन सी गलती है कि व्यक्ति को ऐसी भ्रांति हो जाती है, आप सब क्योंकि आखिरी प्रतिभा है निरोधो न च उत्पद्धो न कहा न मुक्ति। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है ही, उसमें करना क्या है, करने से थोड़ी होगा, करने से होगा तो बनावटी होगा। इसीलिए हम तो है ही, इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने को जानो मात्र। और फिर जैसे व्यक्ति अपने आप को बचपन से कुछ समझ बैठता है, भावना करता है कि मैं सुंदर हूं या मैं कुरूप हूं या मैं बुद्धिमान हूं, बच्चों को बचपन से यही बताया जाता है कि देखो बेटा तुम कितनी सुंदर हो और तुम ऐसी सुंदर हो। एक छोटी सी लड़की है हमारे दादर में, होगी कोई 7 साल की 8 साल की, उसके दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि वो इस जगत की सबसे सुंदर लड़की है। तो उसको मैंने पूछा, बेटा तुम बड़ी हो कि क्या करोगी? आई विल बिकम मिस यूनिवर्स। अब वो है, एक छटाक भी वजन नहीं होगा उसका। अब उसके दिमाग में ये बात घुस गई है कि वो बड़ी सुंदर है। उसी प्रकार से हम ये कल्पना कर बैठते, थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब तो मैं प्रवचन दे सकता हूं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मो जीवै व नापरा, भगवान शंकराचार्य ने कहा है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो समझ में आया क्या? केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और इसीलिए वेदांतियों पर समाज में बहुत टीका होती है इसी कारण को लेकर के, कि वो अपने बुद्धि के द्वारा केवल शब्द ही फैलाते हैं। और ये हो गया इसमें व्यतिरेक का प्राधान्य, कि मैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विद्यामय कोश और आनंदमय कोश नहीं हूं, तो जो इन सब का आधार कूटस्थ वह मैं हूं। अच्छा, उसकी अनुभूति हुई क्या? हो जाएगी। और अनुभूति क्या होनी है? मैं तो हूं ही। ये यहां आकर के ठप हो गए। अब सिद्धांत है, ये टीका है कि इसमें बहुत इस सिद्धांतों को पाले में बोलते उनको कान फाटे कहते हैं, और उसमें बड़ी ऐसी और फिर उनका जो झुकाव होगा उन्मत्त की तरह से रहेंगे, या फिर उनकी बहुत कठिन धारणा ध्यान इत्यादि होगी। और ये हम सर्वसाधारण लोगों को समझ में नहीं आता, या तो फिर वो उपासना में लगे रहेंगे, जैसे भगवान दत्त की उपासना विशेष रूप से करते हैं, तो उस उपासना में उसमें फिर बहुत दुनिया भर के रूल और रेगुलेशन, ये ऐसा किया कि नहीं, उसमें वो किया कि नहीं, और वो सब आडंबर में ओडंबर में सोचते हैं कि वही सब कुछ है। अब देखो दोनों की क्या स्थिति है, हमको ये समझना है कि किसमें क्या गलती है, अच्छा है, वो हमारा विषय नहीं है। हमको ये समझना है कहीं हम फंस तो नहीं रहे तत्व के दर्शन के लिए। तो जैसे वेदांत में केवल विचारी विचार बोलना ही बोलना है, उसी प्रकार से इसमें आकर के व्यक्ति अनेक आडंबरों में फंस जाता है। और दोनों में क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि साधन को ही साध्य समझ के बैठे। साधन तो साधन ही है, साधन वो है जिसका त्याग करना आवश्यक है। तो यह उपासना का आधिक्य, यह शाक्त सिद्धांत या ईश्वर अद्वैतवाद में, और विचार का आधिक्य अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के अनुसार, इसमें इतना बढ़ावा हो जाता है कि तत्व बगल में रह गया और इसी में हम फंस गए। और इसलिए
अब इससे आगे जा करके यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब हमको देखना है तत्व की दृष्टि से दोनों में कुछ भिन्नता है क्या, तो भिन्नता बिल्कुल नहीं है, केवल एक स्थान पर, और वो भी तत्व की दृष्टि से नहीं साधना की दृष्टि से है। जैसे वेदांत बताता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन मात्र पर्याप्त है, लेकिन यहां बताते हैं शाक्त सिद्धांत में श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मीन्स सफिशियंट, पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर बताते इसके आगे की एक स्टेप है, और वो स्टेप कौन सी है, वो स्टेप ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में यह ज्ञान प्राप्त गुरुमुख से करने के बाद फिर उसका समाधि के द्वारा अपने प्रकृति को जीतना है, और इस प्रकृति को जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक के जो तत्व हमने श्रवण मनन निधिध्यासन से समझा था उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए वेदांत कहेगी कि महावाक्य उपदेशात एव अपरोक्षानुभूति, महावाक्य के उपदेश के द्वारा ही अपरोक्षानुभूति हो जाती है, और फिर तत्वमसी इत्यादि महावाक्य का उपदेश किया जाता है। और यहां शाक्त सिद्धांत में बताते हैं आपने जो भी गुरु मुख से सुना है उसके द्वारा तत्व का दर्शन नहीं होता, वो केवल परोक्ष ज्ञान के स्थिति पर ही है, केवल बौद्धिक समझ है, वो अनुभूति नहीं है। तो उस अनुभूति के लिए क्या करना है, ये महत्व का विचार इस शाक्त सिद्धांत में है। इसलिए पंचदशीकार दो तीन स्थानों पर लिखते हैं। एक तो कहते हैं कि पहले हमने सुन लिया और सुनने के बाद हमको फिर परोक्ष ज्ञान हो गया, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इनका संबंध क्या है, और ये होने के बाद फिर गुरुमुख से जब महावाक्य का उपदेश सुनेंगे तब तत्वमसी महावाक्य के उपदेश के कारण अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति तैयार होगी, और इस अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति की परिपक्वता माने स्वरूप का दर्शन। अब यहां शाक्त सिद्धांत में हमको बताते हैं कि जब हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तत्व का, और चौथा आ जाता है अनुपाय। अनुपाय माने जो उपाय है ही नहीं, लेश मात्र, किंचित मात्र। तो इसमें ये चार उपाय समझने के पहले तत्व का प्रतिपादन इस शाक्त सिद्धांत में कैसा है इसको समझ ले, हम शॉर्ट में बताएंगे, और फिर अपने वेदांत के अनुसार इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर सब विचार स्पष्ट हो जाएंगे। तत्व को, परमात्मा को शाक्त सिद्धांत में परम शिव कहते हैं, जिसको वेदांत में परब्रह्म कहते हैं, उसी को यहां शाक्त सिद्धांत में परम शिव कहते हैं। शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। अब यह जो परम शिव तत्व है इसकी अनंत शक्ति है, और इस अनंत शक्ति कौन सी है, अनंत शक्ति है अनंत स्वातंत्र्य। इसको बहुत समझ लेना ठीक से, इसी को लेकर के सब आगे की गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इस अनंत शक्ति का जो नाम स्वातंत्र है, स्वातंत्र कब होगा आदमी को, स्वातंत्र तब होगा कि जब मुझे छोड़ करके दूसरा कोई मुझे नियंत्रित करने वाला नहीं होगा, तब मैं स्वातंत्र में हूं। जैसे मेरा यहां आना, इसमें मुझे स्वातंत्र है क्या, नहीं, क्योंकि मेरा यहां आना अवलंबित है आपके आने पर। यदि आप लोगों ने निर्णय कर लिया कि पिछले 4-6 महीने से स्वामी जी ने बहुत दिमाग में कंफ्यूजन निर्माण कर दिया है, अब आने की कोई जरूरत नहीं, स्वामी जी को यहां से ठाणे के स्पेशल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, तो मैं यहां के क्या करूंगा। तो मेरा यहां जो आना है वो स्वतंत्र नहीं है, वो आप पर अवलंबित है। इसी प्रकार से जब मैं यहां आता हूं तो आने के लिए हमारे पाटिल साहब जब तक हमको नहीं आएंगे हम कैसे आएंगे। माने हमारा जो अस्तित्व है
वो अनेक वस्तुओं पर अवलंबित है। तो जो परम स्वातंत्र्य होगा वो कब होगा? परम स्वातंत्र तब होगा जब एकमेवाद्वितीय, मेरे सिवा जब कोई भी नहीं है, केवल मैं मात्र हूं। तो जो एकम एव अद्वितीय तत्व है उसी को परम स्वातंत्र हो सकता है, ये इसका तात्पर्य है। और इस परम स्वातंत्र को ही परमात्मा की अनंत शक्ति कहते हैं। अच्छा, यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है यह कैसी है? इस अनंत शक्ति को भक्ति की भाषा में कहे तो कहते हैं परमात्मा की ये अनंत शक्ति आह्लादिनी है, जो परिपूर्ण होगा वो दुखी थोड़ी होगा। तो जो परिपूर्ण है उसकी जो शक्ति है स्वातंत्र्य, ये संपूर्ण स्वातंत्र्य कैसा है? इस स्वातंत्र्य के कारण परमात्मा दुखी है कि मस्त है? नेचुरली मस्त है। तो यह जो एकमेवा द्वितीय तत्व की स्थिति है यह परम स्वातंत्र है और यही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और यही शक्ति कैसी है? अनंत है, क्योंकि परमात्मा यदि अनंत है तो उसकी शक्ति भी अनंत है, वो कैसी शांत होगी? और तीसरी बात, क्योंकि यह परमात्मा अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है और वही स्वातंत्र है और यही आनंद है, इसीलिए इस अनंत को ही आनंद कहते हैं। और इसी आनंद को परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। और उपनिषद में आता है आनंदादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। संपूर्ण जगत की अभिव्यक्ति इस आनंद से ही है। हम जो भी कुछ जगत में करते हैं वो किस लिए करते हैं? आनंद को लेकर के। दुखी होने के लिए कोई शादी नहीं करता, होता है बात अलग है। यह संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति केवल आनंद के ही कारण है। और अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप इस आनंद के प्राप्ति के लिए ही है। तो यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, अब इस शक्ति को वेदांत शास्त्र में माया कहा है और यहां शाक्त सिद्धांत में इसको माया नहीं कहा, वहां माया का अर्थ दूसरा है। जिसको वेदांत में माया शक्ति कहते हैं, परमात्मा की कल्पित शक्ति, वही शब्द है माया, लेकिन उसका प्रयोग यहां शाक्त सिद्धांत में भिन्न प्रकार से किया है, वो जब आएगा तब देखेंगे। तो यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है इसी को हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अमृतानुभव में कहा है पहले अध्याय में कि शिव शक्ति समावेश। यह परमात्मा जो शिव है उसकी जो शक्ति है, इन दोनों का संबंध कैसा है? और यह जो बात कही है इस सिद्धांत में इतनी अप्रतिम है कि इसको ठीक से समझ ले तो ये पता चलेगा कि भगवान शंकराचार्य ने जो प्रतिपादित किया है वो यही कहा है, केवल उनके जो फॉलोअर्स है वो भिन्न प्रकार से समझते हैं। अब कैसा, इस पर विचार करें। जब भगवान शंकराचार्य कहते हैं परमात्मा की यह जो शक्ति है इसको कहते हैं कि यह शक्ति स्वतंत्र नहीं है, माने यह शक्ति स्वातंत्र रूप है लेकिन इस शक्ति का अपने आप में इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। क्योंकि शक्ति कैसी रहेगी? जब तक के शक्ति मान नहीं होगा तो शक्ति का अधिष्ठान ही नहीं है, तो शक्ति किसकी शक्ति? इसलिए जब कहते हैं कि यह परमात्मा की जो माया शक्ति वेदांत के अनुसार, ये कहते हैं कि यह स्वतंत्र नहीं है अपने अस्तित्व में, इसका अर्थ ये नहीं कि यह स्वातंत्र स्वरूप नहीं है, यह स्वातंत्र स्वरूप ही है और यही परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा के सिवा इसका अस्तित्व नहीं। दूसरी बात, यदि हम इसको कहें कि यह परमात्मा की शक्ति है तो ये बताओ यह परमात्मा की शक्ति परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? दूसरा विचार, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, अब अग्नि से भिन्न है कि अभिन्न है? इसका विचार करेंगे तो जो वर्णन भगवान शंकराचार्य ने किया है वो यहां फिट हो जाता है।
वहां कहते हैं भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। यह जो परमात्मा की शक्ति है यह भिन्न भी है और अभिन्न भी है और दोनों भी है। ये कैसे हो सकता है, भिन्न भी है अभिन्न भी है और दोनों भी है? जैसे कोई हमको पूछे कोई प्रश्न और उसका उत्तर हम दे हां जी ना जी, अरे एक तो हां कहो या तो ना कहो। आपने खाना खाया क्या? हां ना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ऐसे थोड़ी होता कि जो उत्तर ही अपने आप में कैंसिल कर ले। तो यह परमात्मा की शक्ति, परमात्मा से भिन्न है क्या? है। परमात्मा से अभिन्न है क्या? है। क्या ये भिन्न अभिन्न दोनों रूप है क्या? है। एक बात बताओ ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब देखो इसका निर्णय कितना सरल लगता है। जब हम अग्नि की दाहिका शक्ति का उदाहरण लेकर समझा रहे तो उसमें ये समझे कि क्या अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से व्यतिरिक्त तो होकर के रह सकती है क्या? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। वेरी गुड। दूसरी बात, यह जो अग्नि की दाहिका शक्ति दुनिया की हर चीज को जलाती है, हां जलाती है, लेकिन क्या यह अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि को जलाती है क्या? नहीं जलाती। यदि वो अग्नि को नहीं जलाती तो ये दाहिका शक्ति कही जा सकती है क्या? नहीं कही जा सकती। दाहिका शक्ति किसको कहती है? जो जलाती है। तो यह जो अग्नि की दाहिका शक्ति है ये अग्नि के व्यतिरिक्त नहीं रह सकती, इसीलिए अग्नि के साथ एक है और ये अग्नि से भिन्न है। क्यों? कि जब उसको हम कहते हैं अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति तो दो बातें हो गई ना। यदि एक ही होती तो उसके दो प्रकार का वर्णन क्यों करते हम? और फिर सवाल ये आया, यदि ये अग्नि की दाहिका शक्ति है तो इसने तो सबको जला के रखा है, तो अग्नि को जलाया क्या? अग्नि को नहीं जलाती। तो यदि ये दाहिका शक्ति अग्नि को नहीं जलाती तो अग्नि के दृष्टि से जब वो अपने इस दाहिका शक्ति का दर्शन करेगा तो क्या कहेगा कि यह मेरी दाहिका शक्ति मेरे से भिन्न है, ये आप लोगों की कल्पना है। कल्पना कौन करेगा? अग्नि नहीं कल्पना कर रहा, ये तो हम कल्पना कर रहे। इसीलिए वेदांत सिद्धांत में जो बात आती है कि परमात्मा की ये कल्पित शक्ति है, तो इसका तात्पर्य परमात्मा के दृष्टि से कल्पना नहीं, यह तो जीव के दृष्टि से जो सापेक्षता का गुलाम हो चुका है, जो सापेक्षता में फंसा हुआ है, वो संपूर्णता का दर्शन केवल काल्पनिक ही कर सकता है। देखो ये मूलभूत फर्क है। जब तत्व का प्रतिपादन जीव अपने बुद्धि के क्षमता से करेगा, और बुद्धि की शक्ति क्षमता क्या है? वैचारिक। तो जो तत्व विचारों के द्वारा समझने का प्रयत्न किया जाएगा उसके बारे में केवल कल्पना होगी, अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए जैसे समझो हमको यहां से कहीं जाना है और उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, तो हम क्या सोचेंगे? हमको वहां जाना है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो फिर हम अपने बुद्धि के क्षमता के अनुसार कल्पना करेंगे। लेकिन वहां असलियत क्या है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। उसी प्रकार से यह परमात्मा की जो शक्ति है अनंत शक्ति, उसको कल्पित इसलिए कहा जाता है कि वो हमको समझ में नहीं आती। जो बात हमको समझ में नहीं आती, जिसका हमारा एकत्व का अनुभव नहीं होता, उसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करने का स्वातंत्र्य हमको है। जैसे एक बार हमने, पता नहीं आपको उदाहरण दिया था क्या, एक बच्चा है और वो बच्चा रो रहा है। अब वो बच्चा यदि रो रहा है तो समझो तीन माताएं हैं और विचार कर रही है, क्योंकि तीनों इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है, तीनों इंटेलिजेंट है। क्या विचार कर रही? ये बच्चा क्यों रो रहा है? अब उसमें से एक तो है डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी जब बच्चे के रोने के बारे में विचार करेगी तो क्या करेगी? देयर मस्ट बी सम एब्डोमिनल कॉलिक, उसके पेट में कोई भयानक दर्द हो गया है इसीलिए वो रो रहा है। देखो, और दूसरी जो अम्मा है
वो है समाज सेविका, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं उसके बाद, तो समाज को नष्ट करने के लिए समाज है। तो जो समाज सेविका है वो जब बच्चे का रोता हुआ चेहरा या उसका रोता हुआ देखेगी तो क्या करेगी, एकदम वो नेशनल बन जाएगी हमारे देश में। अब एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, डायरेक्टली देश के लेवल पर आने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो समाज सेवा करेगा वो डायरेक्टली नेशनल हो जाता है। और तीसरी जो अम्मा है वो माँ है, तो माँ क्या सोचेगी बच्चे के रोने को देख करके, उसको भूख लगी है। हर एक माँ को यही लगता है कि उसका बच्चा हमेशा भूखा है और किसी के लिए कुछ भी करे, खाना खिलाओ उसको बस। जब वो छोटा है, जब बड़ा हो जाता है, दुख का कारण शादी नहीं, शादी कराओ। और ये तीनों ने अपने अपने निर्णय दे दिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो तीनों ने क्या किया है, अपनी विचार करने की जो ट्रेनिंग है, अपनी जो विचार करने की पद्धति है, उसके द्वारा प्रभावित होकर के उस विचारों को उस बच्चे के रोने के ऊपर थोप दिया। तो डॉक्टर ने अपने मेडिसिन के ज्ञान के प्रभाव में आकर के उस बच्चे में रोग देखा, और ये समाज सेविका ने अपने विचारों को ज्यादा महत्व देकर के उस बच्चे में जो रोना धोना देखा, डायरेक्टली देश की समस्या देखी। और जो माँ है उसने वात्सल्य के कारण उसको भूखा देखा। तीनों ने अपनी अपनी कल्पना करी, हो गया हो गया। अब चलो बच्चों को पूछते, क्योंकि बच्चा वही है, उस बच्चे की पूछे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अब सत्य क्या है? ये तीन माताओं ने जो कल्पना करी वो सत्य है, कि उस बच्चे ने जो बताया वो सत्य है। इसीलिए जितनी भी विचार, जितनी भी बातें हम तत्व के बारे में करते हैं, वो केवल अपने कल्पना का ही विलास है। और ये कल्पना करने की क्षमता हम स्वयं डेवलप करते हैं। जैसे वो डॉक्टर अम्मा ने एक क्षमता डेवलप करी कि हर जगह में रोग को देखना। डॉक्टर का ट्रेनिंग माने क्या, हेल्दी आदमी में बीमारी देखना माने डॉक्टर होना, दूसरा कुछ नहीं। और समाज सेविका का ट्रेनिंग क्या है, जहां समस्या नहीं है वहां समस्या खड़ी कर देना, वो है समाज सेविका का ट्रेनिंग। और माँ का ट्रेनिंग क्या है, जो भी कुछ कर रहा उसको खिलाते जाओ, बस खिलाया कि कृतकृत्य हो गए। तो हम अपने इस ट्रेनिंग के द्वारा ही प्रभावित होकर के जगत में व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से हम इस तत्व को ना तो देखे हैं ना तो अनुभूत किए हैं, और उसके बाद हम इसको सुनते हैं सत्संगों में जाकर के, और सुनने के बाद जैसे जैसी अपनी क्षमता होती है उसके अनुसार तत्व को समझ लेते हैं। जो व्यक्ति भावना प्रधान होगा, कैसे पता चलता है कोई भावना प्रधान कहे, तो जब रोते समय या अकेले में बैठा है तो हृदय में हाथ लगा करके बैठता है, तो समझ लेना वो भावना प्रधान है। और कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे है तो सर के हाथ लगा के बैठते हैं, माने वो इंटेलिजेंट प्रधान है। तो इंटेलिजेंट आदमी जब दुखी होता है तो सर को हाथ लगाता है, और जो भावुक आदमी जब दुखी होता है तो हृदय को हाथ लगाता है, मेरा तो सब कुछ लूट गया एकदम डायरेक्टली। हमारे पंजाब में जा करके देखो, वहां रोने के लिए आपको औरतें किराए पर मिलती है। जब किसी के यहाँ कोई महात्म हो जाता है, कोई मर जाता है, तो रोना पड़ता है, तो वहां एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो उसको आपके रेट से, उसके फुसफुसा के रोना हो तो कम पैसे पड़ते हैं, यदि जोर जोर से रोना हो तो ज्यादा पैसे लगते हैं, और उससे भी ज्यादा जब बहुत छाती पीट पीट करके और जमीन पर लोट पोट करके वो मर गए जी बड़ा दुख हुआ जोर जोर से रोना तो उसके ज्यादा रेट से। तो जब
कोई व्यक्ति भावना प्रधान होगा तो हृदय को पीट के रोएगा, बुद्धि प्रधान होगा तो सर को पीट लेगा। तो हमारा जीवन जिस प्रकार का ट्रेनिंग विचारों का है उसके अनुसार तत्व का दर्शन करता है। तो जो भावुक होगा उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि देखो ये सब चीजें नहीं, उसको छोड़ो, सुबह में उठ करके बढ़िया भगवान को नहलाओ, खाना खिलाओ पिलाओ और अपना काम करो, राम 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 करते रहो, बहुत हो गया, बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं। कल परसों हमको एक ने प्रश्न पूछा, पुष्टि मार्ग की है वो लोग, लड़की हमारे पास आई, बोले स्वामी जी हम पुष्टि मार्ग के हैं, तो हम अपने गुरु के पास गए, जब उनको पूछा कि हमको ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या सुबह उठ करके उसको नहलाओ पिलाओ, कुछ होता तो कुछ है नहीं, और हमारे यहाँ घर में पता नहीं कब से चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करें, क्यों करें हम, इससे क्या फायदा होता है। तो हमको हमारे गुरु महाराज ने डांट दिया कि ऐसे भयानक प्रश्न मत किया करो, तुम्हारे अंतकरण में कोई पाप निर्माण हो गया इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, जाओ पूजा करो, एक माला और घुमा लो। तो वो हमारे पास स्वामी जी हम माला घुमा घुमा करके तंग आ गए, समझ में कुछ आता नहीं, सुबह उठ करके उसको नहला धुला, उसको कपड़े पहनाओ, मच्छरदानी बांध दो, तो सुबह उसकी चाय पिलाओ, हम तो तंग आ गए, पता नहीं हमारी दादी माँ कैसी करती है। तो वही हमको करना है, तो हमको तो दादी माँ में कोई फर्क नजर आया नहीं, तो हम क्यों करें, इससे क्या फायदा होता है। तो हमने उसको बताया, देखो जब तुम्हारी दादी माँ ये सब करती है तब घर में शांति होती है कि नहीं। बोले हाँ। और वो कितने बार करती है, वो दिन में उनके 4-6 घंटे निकल जाते हैं, तो कम से कम दिन में दादी माँ के कारण 4-6 घंटे की घर में शांति तो है ना, इसी को कहते हैं पुष्टि मार्ग। यदि कल्पना करो 6 घंटे उस वहां से वो अपने पूजा के क्षेत्र से बाहर आ जाए तो 6 घंटे घर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा, इसीलिए उनको बांध के रख दो, अच्छी बात है, कोई बुरी। हाँ बोले ये तो बढ़िया टेक्निक है। अब यदि हम ऐसी ट्रेनिंग करें तो केवल उतने में ही फंस जाएंगे। यदि केवल वेदांत की बात करें तो बस केवल विचार करना बोलना और हर चीज को जस्टिफाई करना। देखो जब आदमी विचार का गुलाम बन जाता है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम यह होता है वो हर चीज को अपने बुद्धि के क्षमता के द्वारा सिद्ध करता है और जस्टिफाई करता है। और जिस दिन हम अपने बुद्धि के इस जस्टिफिकेशन के शिकार हो जाएंगे, समझ लेना हम बुद्धि के द्वारा गुलाम बन गए। परमात्मा की प्राप्ति जस्टिफिकेशन से नहीं होती। यही आकर के यह शाक्त सिद्धांत या नाथ संप्रदाय या ईश्वर अद्वयवाद या तो कश्मीरी शैवाइज्म, यहां आकर के इसका पता चलता है। जैसे एक उदाहरण दे, अपने यहाँ के जो गाड़गे महाराज हो गए उनके बारे में आपने सुना होगा पढ़ा होगा, उनके बारे में आता है वो अच्छे घर के थे, माने अच्छे संस्कृति वाले थे, गरीब घर के थे और सबका सेवा करना सबको मदद करना ये उनका स्वभाव था बचपन से ही, और उनके बीवी बच्चे सब कुछ हो गया। एक दिन उनको वो किसी जगह में थे तो सडनली गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले कहाँ चले गए, और 3-4 दिन के बाद वापस आए। जब वापस आए तो उनका हुलिया तो मालूम ही है कैसे, वो फटे फटे कपड़े पहनते थे, पट्टे का पैजामा उसके ऊपर में लुंगी और फिर फटे सॉक्स उसके ऊपर में पीटी शू पहनते थे और हाथ में झाड़ू था और सर के ऊपर में एक मिट्टी का ढक्कन भर रखा हुआ और बड़े विचित्र रहते थे, लेकिन बहुत बड़े संत थे वो। अच्छा उनके जीवन में आता है वो 3-4 दिन के लिए गायब रहे और 3-4 दिन के बाद जब आए तो एकदम चेंज्ड पर्सनैलिटी। तो ये जो हुआ है यहां आकर के ये मार्ग हमको मदद करता है। हम एक दो उदाहरण देंगे फिर इसका महत्व बताएंगे। उसी प्रकार से अपने संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन की जो बात आती है
जब ये सभी भाई बहन और माता पिता त्र्यंबकेश्वर गए थे, वहाँ भी बहुत तूफान इत्यादि आया और उसमें एक बहुत बड़ा शेर इत्यादि आकर के निवृत्तिनाथ जी को पकड़ करके ले गया और लेने के बाद उनको अपने गुरु महाराज के सामने रख दिया। तब गुरु महाराज आकाश में लटके हुए थे, जमीन पर नहीं बैठे हुए थे, और आकर के उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए मैं पिछले 200 साल से राह देख रहा हूँ, कहाँ गायब हो गए थे। और फिर उन्होंने उसको अपने गोदी में लेकर के वहां उनको उपदेश किया, ज्ञान दिया, और वही ज्ञान आकर के फिर कहते जाओ तुम अपने भाई को दो, वही सब कुछ कार्य करेगा। तो जिनके ज्ञान के द्वारा संत ज्ञानेश्वर इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो वो क्या कोई कम हस्ती होगी। और उन्होंने भी जो अपने शिष्य अपना भाई उसको ज्ञान दिया, उसको कहीं ऐसा आता है क्या कि वो जाकर के उन्होंने 25 साल तपस्या करी और 25 साल एक पैर पर खड़े रहे और फिर 25 साल उन्होंने साफ सफाई करी, कुछ नहीं। इसको कहते हैं अनुपाय, अनुग्रह। तो यह जो ज्ञान है यह अनुग्रह के द्वारा ही मिल सकता है। यह ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन वहां फुल स्टॉप लगाने से नहीं मिलता। यह ज्ञान सविकल्प निर्विकल्प समाधि के द्वारा नहीं मिलता। ये विशेषता इस मार्ग की है और इसीलिए इस मार्ग में जो चाहे उनके जीवन में गुरु का महत्व भगवान से भी ज्यादा होता है। देखो कितनी महत्व की बात है, समझ में आ जाती है हृदय में, तब अपना गुरु के प्रति समर्पण 100% हो जाता है। और यह संपूर्ण समर्पण जब हो जाता है तब जाकर के यह हृदय ग्रंथि टूट जाती है, कट जाती है, खुल जाती है और फिर जाकर के तत्व की अनुभूति होती है। तो यह जो परमात्मा की शक्ति है माया शक्ति, यह वेदांत में बताते हैं कि काल्पनिक है। वो काल्पनिक इसलिए है कि ना तो हम परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति किए हैं, ना तो उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो जैसा हमको ट्रेनिंग दिया है उसके अनुसार विचार करने लग जाते हैं। अच्छा, यहां परमात्मा जो परब्रह्म और परम शिव है, दो सिद्धांतों में उसी को जब अपने माया शक्ति के साथ कहा जाता है तो वेदांत शास्त्र में उसको ईश्वर कहते हैं, माया उपाधि चैतन्य ईश्वर। और वही परम शिव अपने शक्ति के साथ जब कहा जाता है तो उसी परम शिव को शिव कहा जाता है या शिव तत्व कहा जाता है। तो जो वेदांतियों का ईश्वर है उसी को यहां शाक्त सिद्धांत में शिव या शिव तत्व कहा गया। अब ये वेदांतियों का ईश्वर कौन सा है? परब्रह्म अपने माया शक्ति के साथ, और माया शक्ति क्या है? परमात्मा की कल्पित शक्ति है। और शाक्त सिद्धांत क्या कहता है? परमात्मा की ये कल्पित शक्ति नहीं है, ये तो उसका स्वातंत्र है, कल्पित नहीं है, वास्तविकता है। और इसीलिए यही इसी को लेकर के इतना भेद हो गया, क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमात्मा की माया शक्ति कल्पित है तो उसका संपूर्ण जो कार्य है जगत ये भी कल्पित हो गया, केवल कल्पना मात्र, इसीलिए मिथ्या है। और यहां क्या कहते हैं कि यह जो परम शिव है उसकी जो शक्ति वो कल्पित अभिन्न शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति है, और इस स्वातंत्र शक्ति का यह संपूर्ण जगत विलास होने के कारण, चिद विलास होने के कारण यह जगत मिथ्या नहीं है, यह जगत उतना ही सत्य है जितना परमात्मा सत्य है। देखो कितना एकदम फर्क आ गया। और जब ये संपूर्ण जगत को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करेंगे तब जाकर के जगत से प्रेम हो सकता है। जगत को मिथ्या स्वीकार करेंगे, काल्पनिक स्वीकार करेंगे, तो काल्पनिक और मिथ्या जगत के साथ प्रेम करना असंभव है। और प्रेम होगा तो वो भी काल्पनिक और मिथ्या होगा। सिनेमा में एक एक्टर दूसरे एक्टर करता है कि इसीलिए इसको स्पष्टता से जब हम जानेंगे ना तब जा करके अपनी साधना आगे बढ़ती है। तो जब यह वेदांतियों का ईश्वर और इस अद्वैत
अद्वैय अद्वैय ईश्वरवाद का जो शिव तत्व है दोनों एक ही है, सिर्फ फर्क ये है कि वेदांतियों ने उसकी जो शक्ति है अनंत शक्ति उसको कल्पित कह के रखा है। ये कल्पित का अर्थ क्या है इसको समझ ले, यदि ये कल्पित शब्द को ठीक से समझ ले, मिथ्या को ठीक से समझ लेंगे तो दोनों एक ही है, उसमें इतना भी अंतर नहीं है। कल्पना किसको कहते हैं, जो वस्तु कल्पना के द्वारा गृहित होती है वह वस्तु अपने से भिन्न होती है। अगेन थिंक, जैसे मैं किसी लड़की को अपनी पत्नी मानता हूं तो मैंने कल्पना ही तो करी है, लेकिन मैं हूं ये कल्पना थोड़ी है। जैसे एक बार हम किसी यूनिवर्सिटी में थे और वहां कुछ बताने के बाद वहां के एक प्रोफेसर आए, हमको कहते कि यू हैव प्रेजेंटेड द कंसेप्ट्स वेरी ब्यूटीफुली। तो हमने उनको कहा, आई डिड नॉट प्रेजेंट एनी कंसेप्ट, आर वी कंसेप्ट और वी आर द रियालिटी, आई एम इंटेलिजेंट, दिस इज अ कंसेप्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, दिस इज अ कंसेप्ट, आई एम ब्यूटिफुल, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड कंसेप्ट। जब कहते हैं कि कोई सुंदर है, ये सुंदरता जो है ना ये केवल अपने ही कल्पना के अनुसार होती है। यदि आप बड़े आंखें वाली जो है उसको सुंदर कहेंगे तो हमारे चाइना में तो एक भी सुंदर नहीं होगी, लेकिन चाइना के लोगों को पूछो सुंदरता की परिभाषा क्या है तो वो कहते जिसकी आंख एकदम एक छोटी लाइन के डॉट लाइन के जैसी सीधी होगी वो सुंदर है ना। यदि ये मिडल ईस्ट अरब उस एरिया के लोगों को पूछो नाक का सौंदर्य क्या है, हमारे कश्मीरियों को पूछो नाक का सौंदर्य क्या है तो कहेंगे जिसकी नाक चक्कू के धार के जैसी लंबी सीधी कोनी नोकीली होती है वो नाक सुंदर है। और जो हमारे मंगोलॉइड लोग हैं जापान चाइना कोरिया इत्यादि, उनको पूछो जिनकी नाक के ऊपर में हाथी ने पैर रख दिया हो वो नाक सुंदर है। अब लो, तो ये तो अपने मन की कल्पना है। तो जब हम किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न रख करके स्वीकार करते हैं तब उसको काल्पनिक कहा जा सकता है। तो जब हम कहते हैं कि भगवान की यह जो शक्ति है वो परमात्मा की काल्पनिक शक्ति है, ये कब कहेंगे कि जब हमारा तादात्म्य, जब हमारा ज्ञान मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप नहीं हूं तब हम ऐसी बात करेंगे। और परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो मैं और मेरी शक्ति भिन्न थोड़ी है, एक ही है। और यही मूल भेद है। तो भगवान की जो शक्ति है इसको जब हम काल्पनिक कहेंगे तो हम केवल अपने सापेक्षता का जो स्थान है अपने आप को छोटा मान के रखा है, वहां से परमात्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे, इसीलिए सब झंझट आती है। अच्छा, ये स्थिति हो गई ईश्वर और परम शिव और शिव तत्व। अब उसके बाद दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज में वेदांत में बताते हैं कि यह जो ईश्वर है इसकी जो शक्ति है जो वेदांत के अनुसार काल्पनिक है, यह शक्ति अब अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो गई स्थिति है, उसको उसमें महत तत्व कहते हैं। और इस महत तत्व में संपूर्ण जगत सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है, अभी पूर्ण अभिव्यक्त नहीं हुआ। इट इज नॉट फुल्ली मैनिफेस्ट, इट इज अनमैनिफेस्ट और सटली मैनिफेस्ट रादर, यह सूक्ष्म और अपूर्ण अभिव्यक्ति वेदांत के अनुसार। यही बात कहते हैं अब यह शाक्त सिद्धांत में, जिसको वेदांत में हिरण्य गर्भ कहते हैं उसी को शाक्त सिद्धांत में ईश्वर कहते हैं। तो वेदांतियों का ईश्वर अव्यक्त प्रकृति के साथ है और इन शाक्त सिद्धांत का ईश्वर जो है वह सूक्ष्म प्रकृति या महत के साथ है,
शब्दों का केवल फर्क है, बाकी तत्व एक ही है। अब यह दूसरी स्थिति हो गई। अब बताइए, यदि हमने पहले ही यह स्वीकार कर लिया कि परमात्मा की यह शक्ति काल्पनिक है, तो सूक्ष्म जगत भी काल्पनिक होगा और कल्पना के द्वारा निर्माण किया हुआ सब कुछ काल्पनिक ही काल्पनिक होगा। तो इसमें से ये संपूर्ण काल्पनिक जगत में क्या परमात्मा का अभाव है? और यदि इस संपूर्ण जगत में केवल कल्पना को हमने स्वीकार किया, तो फिर सवाल ये है कि कौन सी कल्पना से हम प्रेम करें? और कल्पना से यदि प्रेम करेंगे तो वो काल्पनिक प्रेम होगा। जो काल्पनिक प्रेम होगा वो टिकेगा नहीं। उसके स्थान पर अब इस सिद्धांत के अनुसार चले, यह परमात्मा की जो अनंत आह्लादिनी स्वतंत्र शक्ति है, उस परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति ने अपने स्वातंत्र को लेकर के इस जगत के निर्माण के लिए अपने आप को लगा दिया। तो यदि ये परमात्मा की शक्ति है, तो उसने जगत किया जो निर्माण, ये भी परमात्मा के लिए किया है और ये जगत भी परमात्मा स्वरूप ही है। यही बात भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। ये पूर्ण अध्ययन करने के बाद पूर्ण भगवद गीता का अर्थ बदल जाता है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो परमात्मा की ये दो प्रकार की स्थिति हमको स्पष्ट समझनी है, एक योग स्थिति और दूसरी विभूति स्थिति। योग माने परमात्मा जब अपने शक्ति के संदर्भ से रहित होकर के रहता है, तब वो परमात्मा की योग स्थिति है। जैसे मैं बिना बोले चुप बैठूं, तो ये मेरी योग स्थिति हो गई। और जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं, तो यह बोलना जो है यह मेरी विभूति है। तो यदि हम कहेंगे, स्वामी जी हम आपसे तो हम आपको तो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आप जो बोलते हो ना उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, ये क्या रिस्पेक्ट हो गया? माने यदि हम ये कहे, हम भगवान को जो निर्गुण निराकार इत्यादि है उसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका ये जो जगत है उसको हम मिथ्या कह करके फेंक देंगे, ये कैसे संभव है? इसीलिए तत्व का प्रतिपादन करने में कहते हैं कि परमात्मा एक साथ विश्वोत्तीर्ण है, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू द वर्ल्ड, और एक साथ उसी समय यह विश्व रूप है, वही परमात्मा यह विश्व है। इसी को कहते हैं कि द रियालिटी इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमेनेंट। जब हम ये समझ लेंगे कि जैसे कि पानी की लहरें उत्पन्न करने की क्षमता जो है, तो पानी क्या है? पानी समुद्र रूप भी है और समुद्र के परे भी है। समुद्र के परे कैसे है? कि पानी को रहने के लिए समुद्र के रूप में ही रहने की आवश्यकता नहीं है। पानी एक बूंद के रूप में भी रह सकता है, पानी एक ग्लास में भी रह सकता है। तो पानी का अस्तित्व समुद्र पर नहीं है, बल्कि समुद्र पानी के सिवा नहीं रह सकता। इसीलिए हम कहेंगे कि नहीं, हम पानी को तो स्वीकार करते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन समुद्र को नहीं स्वीकार करते, तो वो समुद्र हमको डुबो देगा। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जो है यह परमात्मा की विभूति है। और यह परमात्मा की विभूति कब होगी? जब यह परमात्मा से अभिन्न होगा, तब यह हो गई दूसरी स्थिति। तो यह सार्वजनिक अनुभव, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। अब उससे बढ़कर के अब तीसरे स्थिति पर आ जाते हैं। तीसरे स्थिति में वेदांत शास्त्र में कहते हैं कि यह जो जगत है यह अब स्थूल भाव को प्राप्त हो गया, और इस स्थूल भाव को प्राप्त होने के बाद इसमें वृत्ति और वृत्ति का विषय अब ये एक दूसरे से अलग हो गए। यह तीसरी स्थिति है। जैसे हम कहते हैं पुस्तक,
तो यह पुस्तक वृत्ति है, विचार है, और उसका जो विषय है अर्थ पुस्तक, यहां आकर के वृत्ति और उसका विषय ये भिन्न हो गए। इसी को कहते हैं ग्रॉसिफिकेशन या स्थूलीकरण। इसको अपने वेदांत शास्त्र में विराट पुरुष कहते हैं या इसको वैश्वानर कहते हैं, और यहां शाक्त सिद्धांत में इसी को सदाख्य कहते हैं या सद्विद्या कहते हैं। इसमें सत का नाम रख दिया और नाम और नामी अलग अलग हो गए। ये हो गई इस संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति के बारे में इन दो सिद्धांतों की तुलना। अभी तुलना से हमको क्या मिला है, एक ही बात मिली है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, केवल अप्रोच भिन्न है। दोनों भी कहते हैं कि यह परमात्मा तत्व, चाहे ब्रह्म कहो चाहे परम शिव कहो, ये अपने आप में परिपूर्ण है, किसी पर अवलंबित नहीं है। फर्क आ जाता है उसके शक्ति को लेकर के। शक्ति परमात्मा की वेदांत में कल्पित कही गई है, लेकिन उसका यदि वर्णन पढ़ेंगे तो वो कल्पित नहीं है, वो वास्तविक है। क्यों उसको ऐसा कहा गया कि वो भिन्न भी है, अभिन्न भी है और उभयात्मिका है? क्योंकि है ही ऐसा, क्या कहोगे? जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं, वो अग्नि से भिन्न भी है अभिन्न भी है। जो भिन्न है अभिन्न है उसको उभयात्मिका तो कहना ही पड़ेगा। माने हमारे दृष्टि से जब तक के हम अग्नि के साथ एक नहीं हुए, हमारे लिए अग्नि और उसकी शक्ति भिन्न भिन्न है। इसीलिए इस लकड़ी में भी अग्नि है, लेकिन उसकी जो दाहिका शक्ति है वो अभिव्यक्त नहीं हुई, इसीलिए ये लकड़ी ठंडी है। और वही अग्नि की जब दाहिका शक्ति अभिव्यक्त हो जाएगी तो इसको हम पकड़ नहीं सकेंगे, जल जाएंगे। इस प्रकार से हमारे दृष्टि से जब देखेंगे तब अग्नि और उसकी शक्ति भिन्न है, लेकिन अग्नि के दृष्टि से देखो तो मैं अग्नि और मेरी दाहिका शक्ति ये भिन्न नहीं है। इसीलिए जब कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि यह परमात्मा की शक्ति भिन्न भी है अभिन्न भी है, इसका तात्पर्य दो स्टैंड पॉइंट है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी द पावर एंड द पावरफुल आर सेपरेट। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पावरफुल, द पावर एंड द पावरफुल दे आर नॉट सेपरेट। ये मूलभूत फर्क है। और इन दोनों को स्पष्ट समझ ले तो देखेंगे जो बात भगवान शंकराचार्य ने कही है अपने अद्वैत सिद्धांत में, वही बात यहां कही गई है, कहीं भी भेद नहीं है। तो यहां तक होने के बाद ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई। अब ये सृष्टि निर्माण होने के बाद फिर यहां शाक्त सिद्धांत में जो माया के पांच कंचुक उसका वर्णन आता है, उसी को हमारे वेदांत शास्त्र में जीव की उत्पत्ति कहते हैं। वेदांत शास्त्र में कहते हैं कि ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, और जाग्रदादि विमोक्षांता सृष्टि जीवेन कल्पिता। तो दो प्रकार की सृष्टि वेदांत शास्त्र में कही है। परमात्मा ने अपने शक्ति को कहा चलो दुनिया को बनाते हैं, तो जो ईक्षण है जो संकल्प है, तो यह परमात्मा ने अपने संकल्प में यह सृष्टि निर्माण करने का निर्णय ले लिया और सृष्टि को निर्माण किया। निर्माण करने के बाद फिर उस सृष्टि में वो प्रवेश कर चुका। कैसा प्रवेश कर चुका? जैसे बिजली प्रकाश में प्रवेश करती है, जिस प्रकार से पानी लहर में प्रवेश करता है, और जिस प्रकार से सुवर्ण गहनों में प्रवेश करता है, या जिस प्रकार से हमारा चेहरा प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में प्रवेश करता है, उस प्रकार से इस परमात्मा ने अपने सृष्टि में चारों प्रकार के शरीर निर्माण किए, और फिर इन चारों शरीरों में प्रवेश किया और जीव भाव को प्राप्त हो गया। ये हो गई ईश्वर सृष्टि। तो ईश्वर के दृष्टि से हम देखे अपनी स्थिति क्या है, तो ईश्वर जब हम सबको देखेगा तो क्या देखेगा, ये सब जीव है। हमने पिछले बार आपको उदाहरण दिया था, शायद एक बार हम कहीं गए थे किसी रिसर्च लेबोरेटरी में,
और वहाँ बहुत बढ़िया उन्होंने सब कुछ बना के रखा था, हम उसका उद्घाटन करने गए थे। और फिर हमने कहा आपकी इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो यहाँ ये सब जो दवाइयाँ बनाते हो तो इसका एक्सपेरिमेंट किस पर करते हो? तो बोले जानवरों पर। तो हमने कहा यहाँ तो सब मुझे आदमी ही नज़र आ रहे। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ एक एनिमल रूम है। तो वहाँ हमको ले गए और वहाँ जाने के बाद बढ़िया एयर कंडीशन रूम था, आदमी को जो नहीं मिलता वहाँ की चूहों के लिए था। और वहाँ 4-6 प्रकार के चूहों की कॉलोनी थी और उनके भी नाम थे। तो एक कोई विचित्र नाम था, K1 ब्रीडिंग स्ट्रेन, जो भी कुछ होगा उसका नाम, 5-6 कॉलोनी थी। और उसमें हमको बताया देखो जो दवाई हम बनाते हैं स्वामी जी इनको देते हैं, इसको इतना डोज, उसका उतना डोज, और फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि ये दवाई का क्या प्रभाव हो रहा है। तो वो जो वहाँ का रिसर्च ऑफिसर है उसके दृष्टि से जितने वहाँ चूहे जितने कॉलोनी में रखे हुए उनकी क्या स्थिति है, दे आर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, दूसरा कुछ नहीं। और चूहों की अपनी जिंदगी देखो, एक को खाने को दिया तो दूसरा दौड़ करके उसकी खींच के ले लेता है, और तीसरा कहता तू कैसे सामने आया, मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा, और वो अपने आप में झगड़ा कर रहे और ये रिसर्च ऑफिसर उनको देख करके ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे, ऐसा करने से ये चिढ़ता है, वैसा करने से वो गुस्सा करता है, ये करने से ये कूदता है, ये करने से वो रोता है। उसी प्रकार से ईश्वर के दृष्टि से हम सबकी स्थिति उन चूहों के जैसी है, है ना? तो उसने हम सबको भिन्न भिन्न इंजेक्शन दे के रखे। किसी को देखना है कि एक नया दवाई बनाई है, दवाई का नाम है पत्नी, अब वो पत्नी की रिएक्शन कैसी आती है, उसको शादी करा दी और ऊपर से भगवान देख रहा है, चलो अच्छा है, रो रहा है, अच्छा ऐसा करने से रोता है, भगवान थोड़ी रोएंगे, क्योंकि उनको मालूम अपन तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और चूंकि भगवान हमको जीव के रूप में देखते हैं तो उनको मालूम है ये जीव इस शरीर में से, इसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो इसको इस शरीर से निकाला, मनुष्य के शरीर से निकाला, गधे के शरीर में डाल दिया, फिर उसको समझ में आता है स्थित प्रज्ञ से कामाशा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, फिर उसको वहां स्थित प्रज्ञ का अनुभव देने के बाद फिर अब जाकर के चले जाओ मनुष्य जीवन में, फिर अपना उद्धार करो, और वहां जाकर फिर गड़बड़ करी तो कोई बात नहीं, फिर उस जीव को वहां से निकाला और किसी बफेलो के शरीर में डाल दिया, वहां जाकर के रहो। तो ईश्वर के दृष्टि से देखेंगे तो हमारे जन्म मरण का उसके सृष्टि में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जब अपने जीव की दृष्टि से देखते हैं तो जीव की सृष्टि कौन सी है, जागृत आदि विमोक्षांतः सृष्टि जीवे न कल्पिता, तो जीव ने कौन सी सृष्टि करी है, मेरी जागृत अवस्था, मेरी स्वप्नावस्था, मेरी सुषुप्ति अवस्था, मेरा बंधन और मेरा मोक्ष, इसको लेकर के जीव सुबह से शाम तक के सुखी दुखी होते रहता है। यह जो जीव की सृष्टि है इसका वर्णन पंचदशीकार चतुर्थ अध्याय में करते हैं कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु में दो बातें होती है, एक ईश सृष्टम, जगत के प्रत्येक वस्तु को भगवान ने निर्माण किया है, एक दूसरी बात उसी वस्तु को जीव ने अपने भोग्य का सामान बनाया है, भोग का सामान बनाया है। वहां पंचदशीकार उदाहरण देते हैं, जैसे योषित माने कन्या, कन्या अपने पिता के द्वारा निर्मित है तो वो पिता का कार्य है, इफेक्ट कन्या, लेकिन पति के लिए वो भोग्य वस्तु बन जाती है, मां के वो बच्चे के लिए वो भोग्य वस्तु बन जाती है। तो यह जो स्त्री है ये ईश्वर सृष्टि में है, लेकिन मां बहन पत्नी सास ये जो सभी के सभी चीजें हैं ये सब जीव की सृष्टि में है। भगवान ने किसी को मां नहीं बनाया, किसी को बहन नहीं बनाया, किसी को सास नहीं बनाया, किसी को बहू नहीं बनाया,
और जितने भी हम दुखी होते हैं, आदमी होकर के कोई दुखी नहीं होता, पति होकर के कोई सुखी नहीं होता। पति है जीव सृष्टि में, आदमी है ईश्वर सृष्टि में। जस्ट थिंक, अब यह जो जीव का जगत है, फिर ऐसा जो पति है या जीव है जो अपने आप को किसी के कारण सुखी दुखी समझता है, यदि समझो मैं अपने आप को पति समझ करके दुखी समझता हूं तो मेरी क्या साधना होगी? डाइवोर्स। तो यदि मैं डाइवोर्स प्राप्त कर लूं तो मैं मुक्त हो गया, माने पत्नी के कारण मैं बंधन में हूं, ये मेरी की हुई कल्पना मात्र है। कल्पना कैसी है? क्योंकि किसी स्त्री को मेरी पत्नी, ये भी तो मैंने कल्पना ही करी थी। तो जीव की सृष्टि 100% काल्पनिक होती है, और जब तक के ये विचार या मन की भाव बनी रहती है तभी तक ये जीव की सृष्टि चलती है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जब मन संपूर्णता से जब अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है, when the mind is totally absorbed in deep sleep, उस समय में हम ना तो पुरुष होते हैं, ना तो स्त्री होते हैं, ना तो अमीर ना तो गरीब। तो अमीरी गरीबी स्त्री पुरुष ये सभी की सभी बातें कहां है? ये उसी समय है जब तक के मन जागृत है। तो जीव सृष्टि का तात्पर्य वेदांत शास्त्र में बताया है, यह जो मानसिक काल्पनिक सृष्टि है यह जीव की सृष्टि है। इसीलिए कहते हैं अवधूत गीता में और योग वाशिष्ठ में, मन एव मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्षयो हो। यह तो केवल अपने मन की ही कल्पना, हम ही कल्पना करते कि हम दुखी है, दूसरी बार कल्पना करते हम सुखी है। यदि हम ये समझ ले कि ये सब काल्पनिक है इसीलिए इसको महत्व नहीं देना, तो अपने इस जगत से, काल्पनिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना माने इस जगत को काल्पनिक समझना। लेकिन ध्यान से सुनना, कौन सा जगत काल्पनिक है? पति पत्नी पुत्र सास बहू, ये जगत काल्पनिक है। आगे मनुष्य है वो काल्पनिक नहीं है, वह परमात्मा का मंदिर है। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। कहते हैं भगवान शंकराचार्य एक सदाचार ग्रंथ में कि देहो देवालय प्रोक्तहा, देही देवो निरंजनहा, अर्चितहा सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। यह प्रत्येक जो शरीर है, ये प्रत्येक शरीर भगवान का मंदिर है और उस मंदिर में भगवान स्वयं है। तो यदि हमने इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन किया तो क्या होगा कि हम अपने जीव सृष्टि से बाहर निकल जाएंगे। जीव सृष्टि में क्या है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। और यदि भगवान के सृष्टि का दर्शन करें तो यही दर्शन होगा, यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण जगत, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति, यह भगवान का मंदिर है और उसमें भगवान विराजमान है। यही बात 10वें अध्याय में भगवान ने बताई कि अर्जुन, तुमको यदि मेरा दर्शन सब जगह नहीं होता तो पेड़ पौधे देखोगे, और उसमें यदि अश्वत्थ वृक्ष देखोगे तो पेड़ों में अश्वत्थ मैं हूं। ये तात्पर्य है। इसी प्रकार से हम अपने आंखों को, ज्ञान को, बुद्धि को ट्रेनिंग देते हैं परमात्मा का दर्शन करने का। तो यह दूसरा मूलभूत फर्क। वेदांत शास्त्र इस जीव के सृष्टि को मिथ्या कह करके उसका अर्थ हम लोग अलग निकालते हैं। जैसे यदि हम ये कहें कि जितने हमारे रिश्ते नाते हैं वो सब मिथ्या है, काल्पनिक है, और हमको इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, इसलिए जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जो व्यावहारिक दृष्टि से माँ पिता भाई बहन इत्यादि, उनके प्रति हम एकदम तिरस्कृत हो जाएंगे। क्यों? ये वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। और जब अपने पेट में भूख लग जाती है तो खाना खाना वो वास्तविक हो जाता है। तो जिस प्रकार से कोई मेरा भाई बहन इत्यादि काल्पनिक है, उसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से ये शरीर मैं हूं ये भी काल्पनिक है। इसको हमने अनुभूत किया है क्या? उसको तो अनुभूत नहीं करेंगे। तो अपने शरीर को तो हम सत्य स्वीकार करेंगे, उसको कल्पना के द्वारा नहीं कहेंगे।
लेकिन दूसरे के रिश्ते नाते वो काल्पनिक है, वो मिथ्या है, उसका त्याग करो। यही जाकर के ये सुपरफिशियल वेदांत करने वाले धोखा खा जाते हैं। भगवान इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो परम योगी है, सुपर डिलक्स योगी कौन? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। यदि मैं अपने आप को स्थूल देह स्वीकार करता हूं तो इस जगत का प्रत्येक स्थूल देह उतना ही महत्व का है जितना मैं महत्व का हूं। यदि मैंने अपने स्थूल देह को केवल कल्पना स्वीकार किया है कि मैंने कल्पना से कहा है कि ये देह मैं हूं, तो यदि इस देह के साथ मैं की भावना या मेरी की भावना नष्ट हो गई तो उसका रिजल्ट ये होगा कि सब के साथ हम एक हो जाएंगे, सब कुछ मैं ही हूं। इस प्रकार से इस शाक्त सिद्धांत में आगे जाने की बहुत सुंदर सुंदर नुक्ते बताए। तो ये हो गई जीव सृष्टि वेदांत के अनुसार। अब इस शाक्त सिद्धांत के अनुसार जीव का जो वर्णन आता है बहुत अप्रतिम है। उसमें क्या बताते हैं कि परमात्मा ने यह सृष्टि निर्माण करी और उसमें सभी पंच महाभूत इत्यादि सब निर्माण होते होते उस चूंकि परमात्मा अपने शक्ति के साथ नित्य निरंतर रहता है तो जब यह जगत निर्माण हुआ तो इस जगत में परमात्मा ओतप्रोत है, चाहे अव्यक्त रूप में रहे चाहे अभिव्यक्त रूप में रहे, माने चाहे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहे चाहे मैनिफेस्ट फॉर्म में रहे, तो इस जगत का मूल तत्व परमात्मा है। देखो एकदम दृष्टि बदल जाती है। अच्छा दूसरी बात, यह जो परमात्मा इसने ये पंच महाभौतिक सृष्टि निर्माण करी और फिर उसका पंचीकरण इत्यादि होने के बाद यह स्थूल जगत निर्माण हुआ और ये स्थूल जगत निर्माण होने के बाद इसमें चार प्रकार के देह निर्माण हुए। शास्त्र में बता दे चार प्रकार के देह। एक जो जमीन से उगता है उसको कहते हैं पेड़ पौधे, दूसरा जो पानी इत्यादि से निकलता है जिसको कहते हैं फंगस वायरस इत्यादि बैक्टीरिया, तीसरे जो अंडों से निकलता है जैसे मुर्गी इत्यादि सांप या जितने भी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स है वो, और चौथा जरायुज जो हम मैमल्स के जैसा माने जो जार में से निकलता है प्लेसेंटा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये चार प्रकार के देह भगवान ने निर्माण किए। अब यह चार देहधारी जो जीव है उस जीव की स्थिति क्या है उसका वर्णन बताया है। तो बताते हैं ईश्वर जो है परमात्मा अपनी अनंत शक्ति के साथ होने के कारण उसकी हर चीज अनंत है। तो क्या क्या चीज अनंत है उसकी मूल या मुख्य नॉट मूल मुख्य तीन शक्तियों का वर्णन आता है। एक परमात्मा की इच्छा शक्ति, दूसरी परमात्मा की क्रिया शक्ति और तीसरी परमात्मा की ज्ञान शक्ति। ये ज्ञान इच्छा और क्रिया इन तीन शक्तियों का संपूर्णता से होना माने ईश्वरत्व, और इन तीन शक्तियों का अल्पता से होना माने जीवत्व। अब जीव और ईश्वर में फर्क क्या हो गया? यही फर्क है, ईश्वर की इच्छा से जगत निर्माण हुआ, ईश्वर में इच्छा है, हम में भी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा बहुत छोटी है। हमको यदि एक 10x10 का कमरा मिल जाए बहुत खुश हो गए, क्योंकि दृष्टि ही छोटी है और हमारी इच्छा भगवान की इच्छा। दूसरी बात हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी ज्ञान शक्ति बुद्धि के द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण हम केवल बड़े छोटे दायरे में सोचते हैं, ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं सकते, मैं अरुमोर उसके आगे नहीं जाएंगे। और तीसरी क्रिया शक्ति, परमात्मा अनंत के साथ अनंत होने के कारण उसकी क्रिया शक्ति भी अनंत है और हम शांत के साथ तादात्म्य करने के कारण हमारी क्रिया शक्ति भी शांत है। इसीलिए परमात्मा या ईश्वर या भगवान या जो भी नाम ले लो, परम शिव शिव इत्यादि, वो कैसा हो गया? वो हो गया सर्वशक्तिमान,
उस सर्वशक्ति में उसकी इच्छा स्वतंत्र है, उसकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मत करो क्योंकि उसके सिवा कोई है नहीं। दूसरी बात, उसका ज्ञान संपूर्ण है इसलिए सर्वज्ञ, वो सर्वव्यापी है और सब कुछ कर सकता है अपने शक्ति के माध्यम से। जीव क्या हो गया, उसके ऊपर में पर्दे आ गए और इन्हीं पांच पर्दों को वहां माया शब्द से कहा है। तो जो माया शब्द वेदांत शास्त्र में परमात्मा की शक्ति के साथ लगाया गया है, वही माया शब्द इस शाक्त सिद्धांत में जीव की जो अविद्या है उसको कहा गया है। शब्दों का फर्क है और इसीलिए जब ये दो सिद्धांत पढ़ते हैं ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वहां भगवान की माया, भगवान की माया नहीं है, भगवान की अनंत शक्ति है, जीव की माया है। और यह जीव इस माया के फंदे में पड़ करके अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करने लग जाता है। तो ये जीव के तीन स्तर बताते हैं कैसे। पहले हमारी सबकी अनुभूति ये होती है कि मैं हूं, पहला ज्ञान है मैं प्रधान। दूसरा ज्ञान है इसको कहते अहम प्रधान, तो अहम अस्मि मैं हूं, इसमें अहम का महत्व है। दूसरे इसमें इदम अहम अस्मि, यह मैं हूं, जहां यह मैं हूं हो गया तो इस जीव का तादात्म्य अब इस माया के पांच कंचुक और उपाधियों के साथ हो गया। पहले मैं यहां हूं, यह संपूर्ण विश्व मैं हूं, इसमें मैं का प्राधान्य, आई एम दिस। अब दूसरी स्टेज नीचे गिरने की, यह मैं हूं, पहले मैं यह हूं था, अब यह मैं हूं, इसमें इदम का जो उपाधियां है उसका महत्व आ गया। ये विचार भागवत महापुराण में पुरंजन के उपाख्यान में आता है, पुरंजन और पुरंजनी। अच्छा, उसके बाद और आगे चले जाते हैं, अगली स्थिति में आ जाता है अहम और इदन, इन दोनों का संतुलन हो गया। इसको ठीक से समझ लेना, इसी से सब साधना आगे बढ़ेगी। पहले अहम इदम अस्मि, इसमें अहम का महत्व है, फिर इदम अहम अस्मि, इदम का महत्व आ गया, और तीसरी स्थिति है जिसमें अहम इदम, इन दोनों का सामान्य पार्टिसिपेशन, इक्वल इंपॉर्टेंस, इसीलिए यह मैं हूं और यह मैं हूं और मैं यह है दोनों प्रकार से। ये जब तीसरी स्थिति हो जाती है तो तीसरी स्थिति में आकर के हमको जीव भाव प्राप्त हो गया, और इस स्थिति में अहंता और ममता, इन दोनों का प्राबल्य रहता है। ये तीन स्थितियां जीव की है। यदि तीन स्थितियां जीव की है तो इसमें से जीव को साधना करनी पड़ेगी। माने क्या करना पड़ेगा, आप देखो, ये स्पष्ट होने के बाद क्या साधना करनी पड़ेगी। पहले हमको अपने ममता को जीतना पड़ेगा। जिस अहंता के साथ अहंता और ममता इक्वल होती है वो संसारी व्यक्ति की स्थिति, जैसा हमारा अपने देह के साथ कैसा संबंध है, मैं हूं माने मैं देह हूं और देह मेरा है, तो देह के साथ हमारा ये दो प्रकार का संबंध है, एक अहम का और दूसरा मम का। तो अहम देहो अस्मि, मैं देह हूं और देह मेरा है, यह जीव की एकदम पक्की स्थिति, इसमें से जीव को हटना है। तो पहले साधना जीवन में इसलिए करनी पड़ती है कि हमको अपनी ममता को जीतना है। तो जहां जहां हम ममता के द्वारा फंसे हुए हैं, जब तक के वहां से नहीं हटेंगे तब तक के अहंता को जीतना असंभव है। इसीलिए ये ममता को जीतने के लिए पहले पारंपरिक साधना बताते हैं। पारंपरिक साधना क्या है, पारंपरिक साधना ये है कि हम अपने ममता को वेल डिफाइंड करें। वी मस्ट डिफाइन अवर ममता इन अ ऑथेंटिक मैनर, मेरा कौन है। तो जब हम धर्म के अनुसार
अपने ममता को स्वीकार करते हैं, तो ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा एजुकेशन, ये इस प्रकार से हर चीज को वेल डिफाइंड है, तो क्या होगा, हम अपने ममता के अंदर रहते हुए भी अपने आप को नियंत्रित रखेंगे। यदि ममता अनियंत्रित हो जाए तो वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, लेकिन वो तो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, मारो उसको, अब देखो मेरा हो गया। तो जब अपने ममता पर नियंत्रण नहीं रहता तब रावण निर्माण हो जाता है, सब कुछ मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा, और वो करते समय यदि दूसरे को नष्ट करना पड़े तो उसमें कोई बात नहीं। इसीलिए पहले ममता को जीतना है, जितना हम अपने जगत की ममता से अपने आप को बचाएंगे उतना हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मन खामो खाम के जगत के विषय वस्तु को लेकर के विक्षेपित नहीं होगा, और जितने मन के विक्षेप कम हो जाएंगे उतना ये समझ में आएगा कि इस देह को जो मैं कहता हूं, मेरा मेरा कहता हूं, इसके बारे में जरा विचार तो करें। तो ये करने के लिए पहले अपने प्रकृति को, देह को, मन को, प्राण को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तब कहीं जाकर के इसके बारे में विचार कर सकते हैं। यहां आकर के हमारे शास्त्र उपासना का मार्ग बताते हैं। तो ममता को नियंत्रित करने के लिए धर्म के अनुसार जीवन जिए और अपने पूरे उपाधियों को कंट्रोल में लाने के लिए वहां उपासना का मार्ग बताते हैं। जब हम उपासना का मार्ग अपने जीवन में चलाएंगे तो जो व्यक्ति उपासक होता है उसका जीवन सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। उपासना का तात्पर्य यही है कि जब हम अपने जीवन में स्वयं नियंत्रित जीवन जीते हैं, हमको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सुबह में जल्दी उठो, नहा धोकर के भगवान का नाम लो, कांकड़ा आरती करो, तब हम स्वयं नियंत्रित है। ये कौन कर सकता है, जो अपने शरीर का गुलाम नहीं है, जो अपने राग द्वेष का गुलाम नहीं है, जिसके जीवन में कोई उच्च वस्तु को प्राप्ति की आकांक्षा जागृत हो गई है, वही व्यक्ति उपासना कर सकता है। इसीलिए उपासना में काफी नियम होते हैं और उन सबको जब हम स्वयं होकर के स्वीकार करेंगे तो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगी। अब दो बातें हो गई, धार्मिक योग्य प्रकार का धर्म अनुसार जीवन जीने से ममता का प्रभाव कम हो गया और उपासना करने के कारण व्यक्ति की जो अहंता है वो हम जीतने लग गए। व्यक्ति की अहंता कैसे जीतते हैं कि अब शरीर को कष्ट होता है, छोड़ो अब क्या उठना है, कल उठेंगे, कौन देख रहा है कि मैं आज सुबह उठा कि नहीं उठा, लोगों को बता दूंगा कि नहीं मैं उठ गया। और जब हम अपने इस शरीर को अपने कहने के अनुसार नचाते हैं तब ये शरीर हमारा गुलाम बन जाता है। इस प्रकार से जब हम अपने ये माया के पांच आवरण जो बताते हैं उसके बारे में हम अगले बार विस्तार से बताएंगे, ये माया के जो पांच आवरण है उसको जब हम जीत लेते हैं तब इस जीव का साधक बन गया। तो जब ये जीव भाव से ऊपर उठने की कर्म और उपासना इन दोनों की साधना करेंगे, वो साधना होने के बाद व्यक्ति का मन तत्व के बारे में चिंतन करने लग जाता है। और ये अभी तक जो हमने बताया है ये सभी का सभी इस त्रिपुरा रहस्य के प्रथम अध्याय का विषय है। इस त्रिपुरा रहस्य के प्रथम अध्याय में इसी प्रकार से विचार आता है। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्र चित्र दर्पण रूपिणी। इस मंत्र को लेकर के इस पूर्ण त्रिपुरा रहस्य का विस्तार है। इसमें बताते हैं कि यह जो ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य का, इसको आगम भी कहते हैं, त्रिपुरा रहस्य कहते हैं, इसको दत्त भार्गव संवाद भी कहते हैं और भिन्न भिन्न नाम है। इसमें
मूल रूप से तीन खंड थे या है। एक को कहते महात्म्य खंड, दूसरा है ज्ञान खंड और तीसरा है चर्या खंड। तो यह चर्या खंड जो है उसमें साधक का जीवन आचरण कैसा हो, उसके बाद महात्म्य खंड में यह जो त्रिपुरा देवी है चिति स्वरूपिणी, इसके बारे में भी अगले बार बताएंगे। यह परमात्मा इस ग्रंथ में त्रिपुरा देवी के रूप में कहा गया है। दो और तीसरी बात जो है वो ज्ञान खंड। इस ज्ञान खंड में है 2163 श्लोक। वैसे इस पूर्ण ग्रंथ की श्लोक संख्या कोई 12,000 के करीब है, उसमें से महात्म्य खंड जो है वो 6,687 श्लोक है, उसके बाद ज्ञान खंड जो है वो 2163 श्लोक है और बाकी के जो है वो चर्या है, और चर्या खंड कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले साधक को गुरु के साथ स्वयं रहना पड़ता है, फिर उसको अपने जीवन की चर्या के बारे में पता चलता है। इसमें महात्म्य में यही मुख्य रूप से बताया है कि जब हम इस त्रिपुरा देवी का महात्म्य सुन लेते हैं और उसके बारे में उसके प्रति हमारे मन में आदर श्रद्धा भक्ति निर्माण हो जाती है और फिर उस माँ के दर्शन करने के लिए हम उपासना करते हैं, और जब हम उपासना करते हैं तो उपासना के कारण अंतकरण मन इतना एकाग्र हो जाता है कि उस माँ के दर्शन के लिए, कि उसके दर्शन के सिवा मन में दूसरी कोई आकांक्षा नहीं रहती, और फिर उस माँ का जब दर्शन हो जाता है, माने जब हमको उस तत्व के प्रति बहुत जागरूक तीव्र जिज्ञासा हो जाती है, तब हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे प्रश्न परशुराम जी के मन में आए थे, और उन प्रश्नों को लेकर के वो अपने गुरु दत्तात्रेय भगवान उनके पास पहुंचे। ये बताने के लिए यहाँ बताते हैं कि श्रुतम कंचित नारदैतत् सावधानेन चेतसा महात्म्यम त्रिपुराख्यायाः यः श्रुति परसाधनम्। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यह जो ज्ञान है श्री हरितायन मुनि थे, यह ज्ञान हरितायन मुनि को प्राप्त हुआ था लेकिन वो सब भूल गए। तो सवाल ये आया, नारद जी ने प्रश्न किया था कि यह ज्ञान सबको कैसा मिलेगा, तो उसके बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कि देखो ये ज्ञान जो है हरितायन ऋषि मनुष्य मात्र के लिए बताए गए। तो फिर नारद जी उनके पास पहुंचते हैं, बोले कि आपको ये ज्ञान देना है मनुष्य मात्र के लिए, बोले मुझे तो कुछ याद ही नहीं क्या क्या मुझे पढ़ाया था मेरे गुरु ने, तो बोले आपको याद आ जाएगा। फिर दोनों ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको ये ज्ञान अभी के अभी प्राप्त होगा, और फिर वो रोज तीन तीन अध्याय करके ये पूरा का पूरा 21-22 अध्याय का ग्रंथ है पूरा लिख निकालते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को लिखने वाले श्री हरितायन ऋषि या मुनि है, और उनको यह संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त हुआ, लेकिन उसको लिखने के लिए जो अनुग्रह था वो भगवान का था। तो इसीलिए भगवान के अनुग्रह के द्वारा प्रेरित होकर के गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को इस ग्रंथ में श्री दत्त और भार्गव माने परशुराम जी इनके संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम आज इस त्रिपुरा रहस्य में प्रवेश किए हैं। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्र चित्रदर्पण रूपिणी। इस एक श्लोक को लेकर के इसका पूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित है। यही श्लोक को लेकर के भगवान शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो दर्पण में चित्र के समान ये जगत की स्थिति है। यहां भी कहते हैं कि विराजते जगत चित्र चित्र दर्पण रूपिणी। अब जो दर्पण में चित्र है उसको हम कैसा समझते हैं, इसी को लेकर के ये दो फिलॉसफीज, दो अप्रोचेस दो है, इसमें भिन्नता आ जाती है, और वो क्या है उसको लेकर के आगे चलेंगे।
प्रभु की इच्छा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।